टीआरएस कॉलेज के अतिथि विद्वान एक बार फिर धरने पर बैठे। टीआरएस कॉलेज के अतिथि विद्वान अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। अतिथि विद्वान चाहते हैं उनकी नियुक्ति को आगे बढ़ाया जाए। अतिथि विद्वानों का कहना है, कॉलेज में अभी परीक्षाएं चल रही हैं, हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, नए विज्ञापन नई भर्ती के लिए निकाल दिए गए हैं, इसे तत्काल रोका जाए। हमारे यहाँ टीआरएस कॉलेज में विज्ञापन निकाला गया है, हम लोग सभी जनभागीदारी और स्वीकृति अतिथि विद्वान हैं, जिनको एक तारीख से निकाल दिया गया है। मतलब एक तारीख से निकाल ऐसे दिया गया कि पेपर हो रहा है और हम लोगों का साइन बंद करा दिया गया और नया विज्ञापन निकाल दिया गया है, जबकि पेपर अभी चल रहा है। सबसे मेन चीज़ तो ये, और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे आने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम लोगों ने शनिवार को ज्ञापन दिया था, क्योंकि एडी साहब यहाँ पे नहीं थे, इसलिए हम लोगों को आज दोबारा यहाँ पुनः आना पड़ा, इसलिए कि उस विज्ञापन को निरस्त करवाया जाए, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है और अमानवीय भी है। अमानवीय इसलिए है क्योंकि क्या कहते हैं, हम सभी लोग 230-235 जितने भी अतिथि विद्वान हैं, स्वीकृति और जनभागीदारी शिक्षक, वो सभी के सभी बेरोजगार हो जाएंगे। कॉलेज प्रशासन का कहना यह है कि हम निकाल नहीं रहे हैं, उनको ऐसे ही रख रहे हैं। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि साइन ना कराना, निकालना नहीं है तो और क्या है। बिना सैलरी के वो हमसे काम करवाना चाह रहे हैं, वो पुरानी परंपरा बंधुआ मजदूरी करवाना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। और जबकि शासन का आदेश है यहाँ से कि क्या कहते हैं, अतिथि विद्वानों के लिए उसी तरीके से पूरा, मतलब क्या कहते हैं, टाइम को बीच में आए थे कि उनको निकाल दिया जाए, सेमेस्टर ब्रेक होता है जब, लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया है। सबसे मेन मुद्दा ये है कि ये लोग हम लोगों को अतिथि विद्वान मानते ही नहीं है, सबसे मेन मुद्दा, जबकि प्रशासन हम लोगों को बोल चुका है कि हम लोग अतिथि विद्वान हैं। साथ ही साथ बाकी सारे नियम लागू होते हैं, हम लोगों को बैठना हो सुबह से लेकर 7 घंटे, वो अतिथि विद्वानों का नियम लागू होगा और बाकी सारी चीज़ें लागू होंगी, पर इस चीज़ में लागू नहीं होंगे। मतलब जो इनको अच्छा लगे वो लागू कर देते हैं, जो ना लगे वो लागू नहीं करते हैं, इसलिए प्रशासन के हम पूर्ण विरोध में। नहीं, एडी साहब आए ही नहीं, अभी बातें ही नहीं हुई, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 1 घंटे से। परसों आश्वासन दिया गया था प्रभात सर से बात हुई थी, टेलीफोनिक हुई थी, उन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं, हम आश्वासित करते हैं आप लोगों को कि जो भी होगा विधि के हिसाब से हम आपको पूरी वो देंगे, सपोर्ट करेंगे। आज आपके सिग्नेचर वगैरह लगे थे कॉलेज? नहीं, अभी नहीं लगे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा, प्राचार्य जी ने कहा है कि क्या कहते हैं, हम करवाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ कहा है, हुआ नहीं है।